गाइस, आपका भाई ब्लॉगर मंडल भाई आ चुका है एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। और ये वाला वीडियो बहुत ही तगड़ा होने वाला है, क्योंकि इस वाले वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं कोचबिहार राजबाड़ी, जो कि यार महल है, बहुत ही बड़ा है और काफी सुंदर है। तो चलते हैं, अभी इधर से बस आने वाली है, अभी मैं हूँ मेन रोड पे, यहाँ से बस आती है तो बस में बैठते हैं, बस में बैठने के बाद फिर वहाँ पे मिलते हैं। तो हमारी बस आ चुकी है और इसमें बैठ के जाएंगे। सो गाइस, अब हम लोग बैठ चुके हैं बस में। यहाँ से जो है 20-25 किलोमीटर है, तो आधा घंटे से कम टाइम लगेगा। तो चलते हैं अभी और वहाँ जाके मिलते हैं। सो गाइस, फाइनली जो है हम लोग अभी यहाँ पे उतर चुके हैं। इस जगह का नाम है कोचबिहार और यहाँ से बाय वॉक 10 मिनट का रास्ता है शायद। तो लोकेशन देख के और पूछ के जा रहा हूँ, बाकी मेरे को रास्ता यहाँ का मालूम नहीं है। आया हुआ हूँ पहले भी, बट यहाँ का रास्ता मुझे मालूम नहीं है। तो चले अभी चलते हैं। और यहाँ के नज़ारे आप देख सकते हो, ये जो पीछे है ना, पीछे बस स्टैंड है, यहीं पे उतरा था। बाकी मैं उल्टा चला गया था, उसके बाद में क्या वापस से इधर ही भेज दिया। तो अभी किसी से पूछना पड़ेगा किधर से रास्ता। सो ये है इसका मेन गेट, बाकी इधर से टिकट मिलती है। तो अभी टिकट लेते हैं पहले और फिर चलते हैं अंदर। फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, देख सकते हो। और कितना मस्त है यार, ये देख रहे हो, बिल्कुल हम लोग सेंटर में चल रहे हैं। और देखो क्या ही नज़ारा है भाई, ऑसम है एकदम, देखो। और वीडियो बनाने से जो है साफ मना कर दिया इन्होंने, यार ये क्या बात है। ट्राइपॉड भी नहीं रखा, ट्राइपॉड भी है ना बैग में, ट्राइपॉड देख लिया ना तो इसको बिल्कुल हटा ही दिया, बोला बाहर रख के आओ, कहीं भी रख के आओ, हमें नहीं पता पर बाहर रख के आओ। फिर हम लोग बाहर रख के आए उसको, और मेरे पास अभी मोबाइल के अलावा कुछ भी नहीं है, बैग भी नहीं है। और तो ये जो महल है ना, ये महल है 2 मंजिल का, और इसको जो है बनवाया था राजा दीपेंद्र नारायण ने 1800 ईस्वी में। और सामने देखो तोप रखा हुआ है, वो वाला था फ्रंट साइड, अब ये वाला है बैक साइड। तो इधर बैक साइड में आ चुके हैं और इसके अंदर जो है म्यूज़ियम है, तो म्यूज़ियम के अंदर जाएंगे, बट अंदर अलाउड होगा नहीं होगा पता नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा बनाने की। तो ये पीछे का साइड देख सकते हो, ये वाला है बैक साइड, और यहाँ से देखो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये भैया मिला अपन को यहाँ पे, भैया आपका नाम सहजन, और हम दोनों है ना अभी साथ में ही घूम रहे हैं। ये भाई भी अकेले आए, मैं भी अकेला आया हूँ, तो दोनों भाई अभी साथ में घूम रहे हैं। ये देख सकते हो अंदर से भाई, आलीशान है पूरा, देख सकते हो आप ऊपर। ये महारानी इंदिरा देवी के स्टैचू मूर्ति, और सामने फोटोज वगैरह लग रहे हैं, वो भी दिखाता हूँ अभी आपको थोड़ी देर में। बाकी ऊपर का देखो यार भाई साहब। और ये जो है हाथी का कंकाल है, ये देखो हाथी का मुंह भाई साहब, ये हाथी का है, देख सकते हो कितना बड़ा है। ये है पुराने जमाने का संदूक यहाँ पे रखा हुआ है, ये देख सकते हो भाई कैसे कैसे लोहे का बना हुआ है बिल्कुल। और भाई बहुत ही ज़्यादा हार्ड है यार, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। और ये थोड़ा हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं, ये ऊपर जाने का रास्ता, बट ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हो ना, ये है लकड़ी की सीढ़ियाँ भाई, काफ़ी मस्त है यार। लेकिन का छोटा सा स्टैचू देख सकते हो लकड़ी का, और इधर भी देख कप वगैरह पहले के, और यहाँ पे देख सकते हो ऑर्नामेंटल स्पून्स है देखो पहले के ज़माने के, और ये शायद पीतल के है शायद। A few moments later. Guys, अब जो है हम लोग आ चुके हैं बाहर, और यहाँ पे गार्डन है, ये काफ़ी अच्छा है, हरियाली है एकदम, लड़के लड़की भी है इधर काफ़ी। और बाकी अंदर अच्छे से शूट नहीं कर पाया क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है, फिर भी थोड़ा थोड़ा दिखा दिया मैंने आपको, बाकी अच्छे से शूट नहीं कर सकता अंदर। वो तो मेरे को ट्राईपॉड भी नहीं लाने दिया यार, बैग में ट्राईपॉड था तो बोले कि बैग ही बाहर रखे आओ, उनके पास रखने की कोई सुविधा है नहीं, बोल रहे बाहर रखे आओ। भाई बाहर कहाँ पर रखे आए, फिर मैं दुकान पर जाके, फिर दुकान पर एक रख के आया था, उन एक आंटी जी को दे के आया था, पैसे दे देंगे 20 रुपये दे देंगे, उन्होंने बोला था 20 रुपये दे देना, चल ठीक है भाई दे देंगे। और सामने की तरफ एक तालाब है, तो अभी वो दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देख सकते हो ये तालाब, इसके अंदर मछलियाँ भी होंगी शायद, मछलियाँ तो होगी होगी। और देखो इधर साइड से इसको वाइट वाइट कलर कर रखा है, तो काफ़ी प्यारा सा लग रहा है। ये है वेस्ट बंगाल में कोचबिहार, एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है ये कोचबिहार राजबाड़ी, एक महल है जिसको महाराजा दीपेंद्र नारायण ने बनवाया था। यहाँ की टिकट प्राइस जो है 25 रुपीज़ है फॉर इंडियंस, और फॉरेनर्स अगर आते हो तो उनके लिए ज़्यादा है।
बाकी इंडियंस के लिए 25 रुपए। और यहाँ पे जो है वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, फिर भी हमने थोड़ा बहुत कर लिया बाहर बाहर से, और अंदर से भी थोड़ा बहुत कर ही लिया, बहुत लोग कर रहे थे यार। और हमारा ट्राइपॉड वगैरह सब कुछ रख लिया, बाहर ही रखवा दिया, लॉकर भी नहीं है इनके पास, ऊपर से फिर बाहर ही रखना पड़ता है किसी दुकान उकान वालों के पास, तो अभी रख दिया। सो गाइस आज वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।